नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आपका अच्छा रहा होगा। राशि के अनुसार जो मैंने उपाय बताता हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ अलग भी उपाय बताए थे, आपने वो फॉलो किए होंगे। सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आएंगी, प्रॉब्लम्स, जैसे प्रॉब्लम्स तो आना है, उनका नियति है जो कि कर्मास के ऊपर बेस्ड है, पिछले जन्म के कर्मास के और इस जन्म के कर्मास पे। बट ये उपाय इंसान को पॉजिटिव बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं, और जो नेगेटिव और टफ टाइम आता है उसमें सेल थ्रू होने के लिए एक हौसला और एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिससे इंसान चलता रहता है। अदरवाइज़ हमेशा नेगेटिव 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 देख के इंसान का जो साहस है और जो धैर्य है वो छूट जाता है। तो हर वीक के जो राशिफल के हिसाब से मैं उपाय बताता हूँ, वो उपाय जितने भी पॉसिबल हो सकें आप करें। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा, उनके साथ में उनको अच्छा करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ रुद्राक्ष है छमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह भाग्य आपके साथ है, लाभ के योग रहेंगे, पदोन्नति के भी योग बनते हैं। कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, परंतु खर्चों में भी वृद्धि की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश करना शुभकारी हो सकता है। कैरियर के हिसाब से सप्ताह शानदार रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। कामयाबी आपके साथ रहेगी। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ मिलेगी। परिवार से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको और बच्चों को किसी प्रकार की सेहत की समस्याएं हो सकती हैं, आपको अपनी और बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो देखा जाए सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह और कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को माता का आशीर्वाद अहम भूमिका निभाएगा। माता को खीर का भोग लगाना लाभदायक रहेगा। काले रंग की गाय की सेवा कर और दही से स्नान करना लाभप्रद साबित होगा। गले के अंदर अनंत मूल के जल को धारण करें। मंगलवार के दिन रक्तदान करें। मंगलवार के दिन बगीचे या मंदिर परिसर में अनार का पौधा लगाएं। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ को बिना छुए जल अर्पित करें। काली रंग की चींटियों को रोजाना चीनी खिलाएं। कुछ रोगों की सेवा करें। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना। सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। जीवन का सार, परेशानियाँ आएंगी, परेशानियाँ जाएंगी, कोई भी समय कॉन्स्टेंट नहीं है। अच्छा समय है तो बुरा समय भी आएगा, बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। ये जो उपाय हैं इंसान को अच्छे उन परिस्थितियों का आभास कराते हैं कि एक तो अच्छे समय में आपको कभी घमंड ना करें, बुरा समय आए तो इन उपायों की सहायता से, इन उपायों की मदद से आप उन का जो मैग्नीट्यूड है, जो मैलेफिक प्लैनेट का जो इम्पैक्ट आपके राशि पर आता है, उनको आप कंट्रोल कर सकें। ये उपाय आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, जब तक दूसरे के भले के लिए नहीं सोचेंगे, बाकी उपाय करने से केवल ये जो प्रॉब्लम्स आनी है वो डेफर होंगी। वो आप उपाय जब छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम्स वापस आएंगी। तो इसका मतलब है, जो मेन सार है वो है कि आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको हर एक किसी के भले के लिए सोचना है, कभी भी आपको सेल्फिश नहीं बनना है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, मांस मदिरा और जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं जो माइंड को इम्पैक्ट करती हैं, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला समय आपके लिए अनुकूल रहे, आपके लिए सप्ताह अच्छा और सेहतमंद रहे। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव।